परफेक्ट स्टडी 68 चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं परफेक्ट स्टडी 68 चैनल के माध्यम से मैथमेटिक्स क्लास 12th और चैप्टर आपका है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन और इसकी प्रश्नावली 2C चल रही है, जिसमें हम आपको सातवें क्वेश्चन तक बता चुके हैं। आज हम आठवें क्वेश्चन को आपको बताने वाले हैं, जिसका पहला पार्ट है कास इनवर्स कास 3π/6 का मान ज्ञात कीजिए। मान मीन्स वही मुख्य मान, मुख्य मान ज्ञात करना है। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे कि कास इनवर्स कास 3π/6 है तो कास इनवर्स कास 13π/6। अब यहां से देखिए कास का कास के मुख्य मान का परिसर, मुख्य मान का परिसर, परिसर कितना होता है? अब कास के मुख्य मान का परिसर 0 से π के बीच होता है, ठीक। मुख्य मान का परिसर इतना है, यानी 0 से π अंश के बीच ही उसका मान होगा। लेकिन यहां अगर हम कास से कास काट देंगे तो π/6 में 30 अंश, और 30 अंश में 13 का गुणा होगा तो 13 × 39 390 अंश आएगा, जो कि पाई से 180 से बहुत अधिक है। तो आइए इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, कास इनवर्स कास कास इनवर्स कास इसको हम लिख सकते हैं 2π + π/6 लिख सकते हैं 2π + π/6 6 × 12 13π/6 इसका मान जो ऊपर था वही हमने लिखा है। अब यहां देखिए 2π means 360 और cos 360 प्लस थीटा ये किस चतुर्थांश में है? ये पहले में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या होते हैं? प्लस, और cos 360 के साथ है इसलिए cos में ही रहेगा। तो इसी को हम लिख सकते हैं cos इनवर्स cos π/6। अब यहां से cos कैंसिल तो उत्तर आया π/6, तो आप लिखेंगे अतः कास इनवर्स कास 13π/6 का मान मीन्स वही मुख्य मान π/6 है। इस प्रकार से आपके आठवें क्वेश्चन का पहला पार्ट सॉल्व हुआ, एकदम आसान है मुख्य मान। इसके बाद हम चलते हैं कि जो आपका सेकंड क्वेश्चन है आठवें का जो सेकंड क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन भी आपका इसी टाइप का है, इसमें दिया है tan 7π/6 7π/6 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहां केवल थोड़ा सा अंतर किया है, 7π/6 किया है, टेन में दिया है। इसको हल करते हैं, हल करने के लिए आपको हल करना है tan 7π/6 और यहाँ देखिए 7π/6। अब इसके बाद टेन के मुख्य मान का परिसर जानिए, टेन के मुख्य मान का परिसर, मुख्य मान का परिसर तो देखिए टाइम का जो मुख्य मान है इसका परिसर -π/2 से π/2 के बीच ही होता है, ठीक। -π/2 से π/2 के बीच ही टाइम का परिसर है मुख्य मान का। तो इसलिए अब यहां देखिए π/6 में 30 अंश में 7 का गुणा होगा, 7 × 3 = 21 210 अंश आया, जबकि आपका आना कितना चाहिए, अधिक से अधिक 90 अंश आना चाहिए, π/2 ही तो है। तो आइए इसको हल करते हैं, तो यहाँ हम फिर चेंज करेंगे tan 7π/6 इसको हम लिख सकते हैं tan 7π/6 लिख सकते हैं ना, 6 × 1 = 7 π/6। अब यहाँ से टेन में, अब यहां देखिए π + π/6 में ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, और आपको हमने बताया है ASTC चार्ट,
ए एस टी, तीसरे पे क्या है टी, टी मीन्स टेन, टेन और काट तीसरे में धनात्मक होते हैं, इसलिए यहाँ तीसरे चतुर्थांश में ये आपका कोण आ रहा है, ये प्लस में ही रहेगा और 180 के साथ लगा हुआ है, इसलिए टेन क्या होगा, टेन में ही रहेगा, यानी इसका मान जो आएगा टेन इनवर्स टेन पाई बाई सिक्स, और यहाँ से टेन इनवर्स से टेन कैंसिल आया कितना पाई बाई सिक्स, तो आप लिखेंगे अतः टेन इनवर्स टेन सेवन पाई बाई सिक्स का मान पाई बाई सिक्स है। ठीक, तो इस प्रकार से आपके आठवें का दूसरा क्वेश्चन भी हल हुआ। हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर, जो आपकी नौवां क्वेश्चन होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन हैं इस प्रश्नावली के, सेवन से आपको बताया जा रहा है, तो आपको हम बताएंगे नौवां क्वेश्चन। नौवें क्वेश्चन में आपको दिया है कि यदि यदि टैन इनवर्स थ्री बाई फोर इक्वल ए, टैन इनवर्स थ्री बाई फोर इक्वल ए, तो साइन ए, तो साइन ए का मान बताइए, का मान बताइए। इसका मान तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, टैन इनवर्स थ्री बाई फोर इक्वल ए दिया है, तो टैन ए का मान थ्री बाई फोर होगा, और थ्री बाई फोर होगा तो वहां से हम साइन ए का मान लिख सकते हैं टैन के पदों में। ठीक, टैन के पदों में साइन ए का मान लिख सकते हैं। तो आइए इसको हल करते हैं। आपको दिया है टैन इनवर्स थ्री बाई फोर इक्वल ए, तो यहां से आएगा टैन ए बराबर तीन बटे चार। टैन ए का मान आपको ज्ञात हुआ, अब आपको निकालना क्या है साइन ए। साइन ए को आप क्या लिख सकते हैं, साइन ए को हम लिख सकते हैं साइन ए इंटू कास ए बटे कास ए, लिख सकते हैं। अब इस कास ए को कास ए से काट देंगे, साइन ए ही बचेगा, यानी इसको हम टैन लिख सकते हैं और इसको हम एक बटे सेक लिख सकते हैं। ये आपका आया टैन ए बटे सेक ए, टैन ए बटे सेक ए, टैन ए का मान हमको पता है, सेक ए का मान नहीं पता है, तो सेक का फार्मूला हम टैन के रूप में जानते हैं, सेक थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा इक्वल वन वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा होता है। सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ सेक ए है तो वन प्लस टैन ए हो, वन प्लस टैन स्क्वायर ए ही होगा, लेकिन वह इन रूट होगा यानी करड़ी में होगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं टैन ए बटे करड़ी में वन प्लस टैन स्क्वायर ए। ये किसका मान होगा, साइन ए का मान। अब यहाँ टैन का मान रख दीजिए, तीन बटे चार बटे करड़ी में एक धन तीन बटे चार, तो यहाँ से आया तीन बटे चार बटे, यहाँ हो जाएगा आपका चार एकम चार तीन सात, करड़ी में सात बटे चार, व्युत्क्रम कर लीजिए, तीन बटे चार गुड़े करड़ी में चार बटे सात, और यहाँ से क्या आएगा तीन बटे सात करड़ी में चार, ये किसका मान आया, साइन ए का मान आया। तीन करड़ी में सात, तीन बटे सात करड़ी में चार, ये आएगा, क्योंकि चार को हम करडिम चार दो बार लिख सकते हैं, एक बार कट जाएगा तो एक बार यहाँ बचा रहेगा, करडिम चार का गुणा सात में होगा तो सात करडिम चार आएगा, अंश में तीन ही बचेगा, तो इस प्रकार से साइन ए का मान ये आपका आया, एक मिनट, टेन स्क्वायर ए, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, नौ बटे सोलह, तो सोलह नौ पच्चीस बटे सोलह, और यहाँ आपका आएगा चार बटे पाँच, तो चार से चार कट जाएगा और तीन बटे पाँच, ये साइन ए का मान होगा। वर्ग हमने नहीं किया था, वर्ग करने पर आपका ये इतना प्राप्त होगा, थोड़ा सा मिस हो गया था। तो आइए हम आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं, जो आपका आपकी डॉक्टर मनोहर रे बुक का दसवां क्वेश्चन होगा, प्रश्नावली टू सी। प्रश्नावली टू सी का दसवां क्वेश्चन, क्वेश्चन इस प्रकार से है कि साइन पाई बाई थ्री माइनस
साइन इनवर्स माइनस हाफ का मान ज्ञात कीजिए ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको हल करते हैं आसान मेथड से। हल करने के लिए जो आपको दिया गया है उसको नोट करते हैं बहुत ही आसान नियम से। साइन पाई बाई थ्री माइनस साइन इनवर्स माइनस हाफ, यही आपको दिया गया है। तो देखिए आप जानते हैं कि साइन इनवर्स माइनस यक्स इक्वल होता है माइनस साइन इनवर्स यक्स, ये आपका फार्मूला है। साइन इनवर्स माइनस थीटा इक्वल माइनस साइन थीटा होता है और साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल माइनस साइन इनवर्स भी एक्स होगा। तो यहाँ हम माइनस को इधर लेके आएंगे तो इसी को हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई थ्री माइनस कितना माइनस माइनस हो जाएगा क्या प्लस साइन हाफ साइन नहीं साइन इनवर्स हाफ। और साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू कितनी होती है साइन इनवर्स एक बटे दो, यानी साइन में कितने अंश का मान एक बटे दो होता है ये आपको लिखना है। तो एक बटे दो पाई बाई सिक्स यानी तीस अंश का मान होता है। अब दोनों को जोड़ेंगे तो साइन में आपका आएगा कितना, लघुत्तम होगा सिक्स, आएगा थ्री पाई प्लस पाई, यानी हो गया आपका साइन एक मिनट पाई बाई थ्री है यहाँ, तो यहाँ टू पाई आएगा, टू पाई प्लस पाई यानी थ्री पाई बाई सिक्स, और यहाँ से हो गया साइन पाई बाई टू और जिसकी वैल्यू होती है वन, तो इसका मान क्या आया एक, यही आंसर होगा। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर जो कि आपकी डॉक्टर मनोहर रे की 11वां क्वेश्चन होगा। डॉक्टर मनोहर रे की बुक का 11वां क्वेश्चन प्रश्नावली 2C 11वें क्वेश्चन में आपको दिया है कि कॉस इनवर्स एक्स यदि कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल पाई बाई टू तो सिद्ध कीजिए कॉस इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स वाई। ये क्वेश्चन हम आपको पिछली प्रश्नावली हमें लग रहा कि आपको बता चुके हैं, लेकिन आइए फिर से हल करते हैं इसको। हमें ऐसा लग रहा कि हम आपको पिछली प्रश्नावली में ये क्वेश्चन आपको बताए हैं। फिलहाल आपको दिया है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल पाई बाई टू, ये दिया है आपको, इसको मान लीजिए कि इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक। इसके पश्चात यहाँ से अगर हम या एक आपका सूत्र है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल पाई बाई टू। तो यहाँ देखिए आपको जो है कॉस इनवर्स एक्स तो रहना ही है, साइन वाई को चेंज करना है यानी कॉस वाई को साइन वाई में चेंज करना है। इस फार्मूले को हम वाई में लिख लेते हैं, साइन इनवर्स वाई इक्वल प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल पाई बाई टू। यहाँ से हम पाएंगे ये आप फार्मूला है बताया गया है इसी चैप्टर में, तो कॉस इनवर्स वाई इक्वल हो जाएगा पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स वाई, और इसी को समीकरण एक में रख दीजिए। समीकरण एक में रखने पर रखिए एक आपका यही है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई के स्थान पे पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स वाई बराबर क्या है पाई बाई टू। तो पाई बाई टू से पाई बाई टू कैंसिल क्योंकि दोनों समान चिन्ह में हैं और बराबर के दो तरफ हैं। अब यहां से आपका आया कॉस इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल जीरो, या यहां से लिख सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स इक्वल साइन इनवर्स वाई, और यही आपको प्रूफ करना है। तो आपका प्रूफ हुआ ये भी क्वेश्चन, यानी 11वां क्वेश्चन भी आपने बहुत ही आसान मेथड से हल किया। इसके बाद के क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं हैं,
चार पांच क्वेश्चन और बचे हैं इस प्रश्नावली में, कुल 17 क्वेश्चन हैं। तो आज हमने आपको 11वें क्वेश्चन तक बताया। इसके आगे की वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल परफेक्ट स्टडी 68 को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबाएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।